जो खराब परिस्थितियों में भी नेथन लायन जैसे गेंदबाज का कर देता था अंत, आज इंदौर टेस्ट मुकाबला देखकर पूरी दुनिया को याद आ रहे हैं ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत सारी दुनिया को याद आ रहे हैं। जब तीसरा टेस्ट मुकाबला हमने इंदौर के होलकर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, हमें 9 विकेटों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा। नेथन लायन ने 8 विकेट हमारे चटका दिए थे दूसरी पारी में, और नेथन लायन ने हमें बहुत ज्यादा परेशान भी किया। आपको याद होगा नेथन लायन को ऋषभ पंत अरे तगड़े तरीके से खेलते थे, आगे बढ़ बढ़कर ऋषभ पंत उनकी बॉल पे शॉट्स मारते थे। एक बार तो नेथन लायन खुद चकरा जाते थे कि भैया इस बैट्समैन को हम कैसे बॉल डालें, ये यहां भी मारता है, ये वहां भी मारता है, ये आगे बढ़कर भी मारता है, पीछे भी बढ़कर पीछे जो है पैर लेकर भी मारता है, हर जगह से बेसिकली पिटाई करते थे ऋषभ पंत। तो फैंस को भी याद आने लगा। एक सोशल मीडिया पे आप एक वीडियो जरूर देख रहे होंगे, उसमें इंदौर के होलकर स्टेडियम में फैंस ऋषभ पंत के नाम के नारे लगा रहे हैं, फैंस बोल रहे हैं गाबा गाबा, क्योंकि आपको याद होगा कि भैया गाबा का घमंड ऋषभ पंत ने तोड़ा था जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी साल 2020-21 हमने अपनी झोली में डाली थी। फिलहाल देखिए इस हार के बाद फैंस बहुत ज्यादा ऋषभ पंत को याद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या कुछ किस फैन ने कहा है, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक फैन कहते हैं कि ऋषभ पंत कुड हैव सेव्ड अस, यानी ऋषभ पंत हमें बचा सकते थे, स्पिन के खिलाफ हमें बचा सकते थे, नेथन लायन से हमें ऋषभ पंत ही बचा सकते थे। उसके बाद देखिए हमजा कहते हैं कि ऋषभ पंत आफ्टर सीइंग नेथन लायन शैटर्ड द टीम इंडिया बैटिंग लाइन अप इन थर्ड टेस्ट मैच, यानी ऋषभ पंत यही कह रहे होंगे कि भैया मुझे बाहर निकालो, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि मुझे बाहर निकालो, मुझे खेलना है क्योंकि टीम इंडिया की परिस्थिति बहुत खराब है। उसके बाद देखिए प्रयाग एक यूजर है, ये कहते हैं एक था जो अकेले टेस्ट मैच पलट देता था और एक वो ऋषभ पंत ही है। तो अब ऋषभ पंत के देखिए आंकड़े भी देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्यों लोग उन्हें याद कर रहे हैं, क्या कुछ उखाड़ा था ऋषभ पंत ने। तो देखिए 7 मैच इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जिसमें 624 रन इन्होंने बनाए, औसत की बात करें तो 62.40 का औसत यानी एवरेज है, 50 और 100 की बात करें तो 2 बार ये अर्धशतक वहीं 1 बार शतक जड़ चुके हैं। भैया ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेस्ट इनका 159 नॉट आउट रहा है। तो आप भी जरूर बताइए ऋषभ पंत को कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं आप लोग भी, और इतनी शर्मनाक हार के बाद क्या आपको भी ऋषभ पंत याद आए।